ईद उल फितर दो दिन की दूरी पर ईद की शॉपिंग के लिए मुख्तलिफ मार्केट्स में रश। अंदरून लाहौर शाहआलम मार्केट की रौनकें बढ़ गईं। इच्छा बाजार में रश के बायस खातीन का दूसरे इलाकों का रुख। धर्मपुरा बाजार में भी खातीन जूते और मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी में मसरूफ। ईद के रंग अपनों के संग ईद करीब आते ही परदेसियों की घरों को वापसी। बादामी बाग लारी अड्डे समेत शहर भर के बस अड्डों पर परदेसियों का रश। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां भी शुरू। किरायों में खुद साख्ता इजाफा। ओवरचार्जिंग की शिकायत पर कमिश्नर बादामी बाग लारी अड्डा पहुंच गए। मुसाफिरों के टिकट चेक की। मुसाफिर खातीन हॉल में मर्दों की मौजूदगी पर इजहार बरतने। महंगाई की चक्की में पिसे शहरी ताहाल रिलीफ के मंतजर हैं। सरकारी रेट लिस्ट और ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतों में नुमाया फर्क। आलू की सरकारी कीमत 60 रुपये, बाजार में 70 रुपये किलो फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 200, बाजार में 250 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगे। लहसुन का सरकारी नेट 255 मुकर्र, जबकि ओपन मार्केट में 265 तक फरोख्त होने लगा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कीमतों के इतलाक में नाकाम हो गए। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी की हिदायत पर ओवर बिलिंग के खिलाफ ऑपरेशन। FIA शाहपुर डिवीजन के एक्सीएन को गिरफ्तार कर लिया। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को को कल तलब कर लिया। CST लेस्को और SC सेंट्रल सर्कल लाहौर को भी बुला लिया। विफाक का बिजली चोरी पर अफसरान और मुलाजमीन के एहतसाब का भी फैसला। लेस्को समेत तमाम कंपनियों से बिजली चोरी ना होने पर मबनी सर्टिफिकेट मांग लिया। लेस्को चीफ को अफसरान और मुलाजमीन से सर्टिफिकेट लेने का हुक्म। माली बेजाबकियाँ, AMS परचेज सर्विसेज अस्पताल मअतल। डॉक्टर अवैस को महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड रिपोर्ट करने का हुक्म। साबिक MS मोहम्मद मुनीर ने रिटायरमेंट से कबल मोहम्मद अवैस को तैनात किया था। अस्पतालों में लूटमार करने वाले की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की गुफ्तगु। गुलिस्तान कॉलोनी के मकीन पानी की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज। मुजाहरीन की मेन फिरोजपुर रोड ब्लॉक करके शदीद नारेबाजी। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी सुस्तरफी का शिकार। पानी की अदम दस्तियाबी पर मामूलात जिंदगी मुतासर होकर रह गए। इंतजामिया की 3 घंटों में मोटर ठीक करवाने की यकीन दहानी। PHA इंतजामिया की ना हिली। केनाल रोड के ग्रीन बेल्ट गाय भैंसों की चराहगाह बन गए। डियाल हाउस का जलो मोड़ के ग्रीन बेल्ट में भैंसों के डेरे। भैंसों ने ग्रीन बेल्ट में लगे फूलदार पौधे और घास तबाह कर दी। PHA इंतजामिया ग्रीन बेल्ट की देखभाल करने में नाकाम। वहादत कॉलोनी ग्रीन पार्क इंतजामी गफलत के बायस खस्ता हाली का शिकार। जगह जगह कूड़े के ढेर, झूले और बेंचेस टूट चुके। पार्क की हालत अबतर होने से अहले इलाका तफरीही सरगर्मियों से महरूम। अहले इलाका का इंतजामिया से नोटिस लेकर अवामी पार्क की फौरी बहाली का मुतालबा। नवाकोट के इलाके में बिजली के लटकते बेहंगम तार शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। बिजली के हाई वोल्टेज तार घरों के सामने आ गए। अहले इलाका खौफ का शिकार होने लगे। लाहौर ये जाली और गैर मयारी कोल्ड ड्रिंक्स पीने से बच गए। जाली कोल्ड ड्रिंक्स तैयार और सप्लाई करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। ईद उल फितर पर फरोख्त के लिए तैयार की गई 1,71,767 लीटर जाली कोल्ड ड्रिंक्स तल्फ। 99 यूनिट्स को 24,81,000 के जुर्माने। 10 मुकदमा दर्ज, 4 यूनिट्स बंद कर दिए गए। धाती डोरो पतंगबाजी का खात्मा। पंजाब पुलिस सूबे भर में इन एक्शन। सूबे भर में 41 रोज के दौरान 3,664 मुकदमा दर्ज। 3,798 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। मुलजमान से 2,29,451 पतंगे और 15,990 धाती डोर की चरखियां बरामद हुई। गुजरता रोज लाहौर समेत सूबे भर में 18 मुकदमा दर्ज करके 19 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। IG पुलिस ने 15 DSP इधर उधर कर दिए। हाशिम महमूद को STPO वजीराबाद तैनात कर दिया गया। रेहान जमाल DSP इन्वेस्टिगेशन सब्जाजार तैनात। राना इशफाक DSP इन्वेस्टिगेशन शफीकाबाद तैनात। जिक्रिया यूसुफ, मोहम्मद अफजल, मिर्जा नासिर बेग, जाहिद हुसैन भी तब्दील।
नदीम यासीन, शुएब खान, रिस्वान कादिर और मोहम्मद उस्मान का भी तबादला। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का लाहौर के मसाइल के फौरी हल का फैसला। वज़ीर-ए-आला ने 35 रुकनी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी। एमएनए राना मुबशर इकबाल कन्वीनियर होंगे। डीसी लाहौर राफिया हैदर को कमेटी की सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। दीगर अरकान में अब्दुल अलीम खान, सरदार अयाज सादिक चौधरी, वसीम कादिर, मलिक अफसल खोखर, मलिक सैफुल मलुक खोखर, अताउल्लाह ताड़र, ओन चौधरी और दीगर शामिल हैं। पंजाब हुकूमत ने इस मौके के तदारुक के लिए कमर कसती। लॉन्ग, शॉर्ट और मिड टर्म बुनियादों पर इंसदादी एक्शन प्लान मुरतब। इंडस्ट्री की मुकम्मल मैपिंग, सोलर प्रोग्राम के तहत इमारतों को सोलराइज करने की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब डिजिटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ करवाने पर गौर। ट्री प्लांटेशन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की तंसीब के हवाले से इकदाम करने का हुक्म। होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा। चेयरपर्सन सारा अहमद ने ब्यूरो के हवाले से ब्रीफिंग दी। होम सेक्रेटरी ने हेल्पलाइन 1121 के ऑपरेटर्स और मुकीम बच्चों से मुलाकात की। चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल, आईटी लैब और एक्टिविटी रूम का भी मुआयना किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के मॉडल बाजारों के दौरे। एसी शालीमार के हमरा मॉडल बाजार हरबंसपुरा जा पहुंचे। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी मौके पर तलब। कमिश्नर का मॉडल बाजार में कतार देख कर इजहारे अदम इत्मीनान। रश के बाय सालू प्याज के स्टॉल्स पर खरीदारों की कतार का नोटिस। काउंटर्स पर सेलमैन बढ़ा दिए। डीजीएलडीए की जेर सिदारत वासा अमूर बारे इजलास। एमडी वासा गुरफान अहमद की ब्रीफिंग। ताहिर फारूकी, वासा मास्टर प्लान के मुताबिक बौसीदा सर्विस सिस्टम बेहतर करने की हिदायत। डीजीएलडीए का फिरोजपुर रोड निश्ता कॉलोनी वासा ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा। ताहिर फारूक ने वासा के इंफ्रास्ट्रक्चर और अमले की वॉकिंग का जायजा लिया। ताहिर फारूक ने हडियारा ड्रेन और खैरा डिस्ट्रीब्यूटरी रोड का भी दौरा किया। वासा के ऑपरेशन विंग अफसरान और अमले की ईद की छुट्टियां मंसूख। ईद पर पानी की फराहमी, सेवर सिस्टम मौसर अंदाज में चलाने की हिदायत। एमडी वासा गुफरान अहमद की जेर सदारत अहम इजलास। ईद की तैयारियों, रेवेन्यू रिसर्चिंग की पेशरफ्त का जायजा। मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। सीसीपीओ ने बिला इम्तियाज कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत कर दी। बिलाल सदीक मियाना की जेर सदारत अहम इजलास। मनशियात फरोशी और संगीन मुकदमा के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। कत्ल और इकदाम कत्ल के मुकदमा में इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। डीआईजी ऑपरेशंस का मुख्तलिफ शॉपिंग बाजारों का दौरा। एसएसपी ऑपरेशन सैयद अली रजा समेत दीगर पुलिस अफसरान भी हमरा थे। सैयद अली नासिर इसवी ने बाजारों में सिक्योरिटी के इकदाम का जायजा लिया। डीआईजी ऑपरेशंस ने मार्केटों में खातीन तहफ़ डेस्क का भी दौरा किया। सीटीओ ने तजावजात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मॉडल रोड पर लेन लाइन, स्टॉप लाइन पर सख्ती से अमल दरामद का भी हुक्म। सीटीओ लाहौर हमारा थर की जेरे सदारत ट्रैफिक अफसरान का इजलास। अफसरान को असर नो ट्रैफिक मसायल और उनके मुमकिन हल का जायजा लेने का हुक्म। आईजी की हिदायत पर खुली कचहरियों का सिलसिला जारी। एसपी इन्वेस्टिगेशन मोटर टाउन शहजाद रफीक की थाना इचरा में खुली कचहरी। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। अपने मसाइल से आगाह किया। एसपी ने शहरियों के मसाइल सुने, मौके पर ही अहकाम जारी किए। ज़िमनी इंतखाबात 2024। N119 में मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियाँ शुरू। चाइना स्कीम इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। उम्मीदवार अली परवेज मलिक की आमद पर गुलपाशी की गई, उन्हें दस्तार पहनाई गई। रहनुमा नून लीग अली सलीम भट्ट चौधरी, शहबाज मास्टर निसार, हाजी फरियाद आगा नासिर और दीगर ने खसूसी शिरकत। साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब मियां जावेद महमूद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल सुबह 10 बजे रोशन बेला रोशन फार्म में अदा की जाएगी।
जावेद महमूद DGLDA विफाकी सेक्रेटरी भी रह चुके। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बासलाहियत खिलाड़ियों की तलाश का मिशन, मुल्क की तमाम डिस्ट्रिक्ट्स और जोनल क्रिकेट एसोसिएशन में कोचिज तैनात, तमाम रीजन्स में बोर्ड के सीनियर कोचेज आप रोज की जिम्मेदारियां निभाएंगे, कोचेज बासलाहियत और उमदा कारकर्दगी पर खिलाड़ियों की फहरिस्तें तैयार करेंगे।